नमस्कार साथियों, एंड ऑफ डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में लोकतंत्र विफल हो चुका है। वहाँ की भूतपूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश छोड़ के जा चुकी हैं और बांग्लादेश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। पहले एक आंदोलन शुरू हुआ था वहाँ पे, छात्र आंदोलन, जो आरक्षण को लेकर था, रिजर्वेशन पे लेकर था कि जो फ्रीडम फाइटर थे उनके आप वंशजों को आरक्षण ना दें। तो उस मामले में फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, फिर सरकार ने भी माना, लेकिन वो आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे सरकार पर दबाव बन गया कि सरकार बदलो, शेख हसीना अपना इस्तीफा दो। तो शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और उन्होंने देश छोड़ दिया। लेकिन अभी भी वहाँ की स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं और वहाँ के छात्र ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो कह नहीं सकते। वो छात्र हैं, आप देख रहे होंगे वीडियोस वायरल हो रहे हैं वहाँ पे, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं शेख मुजीबुर रहमान, उनके वो स्टैचू को उन्होंने तोड़ दिया, प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, वहाँ पे कपड़े फाड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बहुत अजीबोगरीब घटनाएं कर रहे हैं। तो इनसे पता लगता है कि नैतिक मूल्यों का कितना पतन हो गया आजकल। नैतिक मूल्यों की शिक्षा हर देश में होनी चाहिए। जितने भी विकसित देश हैं, डेवलप कंट्री हम देखते हैं जो आज प्रगति कर चुके हैं, वहाँ पर नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। और जहाँ पर नैतिक मूल्यों का पतन है उस देश में लोकतंत्र विफल हो चुका है। और वर्तमान में भारत की स्थिति हम देखें दक्षिण एशिया की, तो भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति आप देख लीजिए। जैसे भारत के पास है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में तालिबान शासन जमा चुका अपना, वहाँ पर लोकतंत्र विफल है। श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, श्रीलंका में लोकतंत्र विफल है। अब बांग्लादेश और देख लो पड़ोसी, जहाँ पर अपनी 4096 किलोमीटर सीमा लगती सबसे लंबी भारत की, वहाँ पर लोकतंत्र वहाँ पर भी विफल हो चुका है। तो आप देख लीजिए भारत की स्थिति क्या हो रही है। पाकिस्तान को कहने की आपको जरूरत नहीं है, पाकिस्तान वैसे भिखारी हो रखा है। और नेपाल भूटान तो छोटे से देश हैं, और चाइना से अपनी बनती नहीं है। थोड़े दिन पहले अपने मालदीव से भी तकरार हो गई। तो भारत की स्थिति वैसे गंभीर हो रखी है। तो लोकतंत्र विफल नहीं होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का हमेशा विकास होना चाहिए। हमें मानना चाहिए कि देश हमारा, किसी और का नहीं है, तभी होगा। कोई भी काम करो तो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, जो लॉजिकल बात होती है वो होनी चाहिए। अगर आप उसका विरोध करते हो, विरोध करने का भी एक तरीका होता है, लेकिन यदि मारधाड़ करोगे, वायलेंस फैलाओगे, हिंसा करोगे, तो उससे कोई तर्क बैठेगा नहीं। अब बांग्लादेश की स्थिति आप देख लीजिए, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहाँ पर लोकतंत्र विफल हो चुका है, वहाँ पर शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और खबरें आ रही थी कि वो भारत में आ गई है, वहाँ से दुबई जाएंगी, इंग्लैंड जाएंगी, जहाँ भी हो जाएंगी उनकी इच्छा वो, लेकिन फिर भी वहाँ पर अभी हालात काबू नहीं हो पाए हैं। अब आगे क्या होगा, लोकतंत्र विफल होना बहुत बड़ी घटना होती है। अब आप देख सकते हो कि जो महिला वहाँ पर 20 साल तक प्रधानमंत्री रही बांग्लादेश के अंदर, जिसने इतना विकास किया, जो रिपोर्ट्स बताते हैं कि वहाँ पर GDP बढ़ी उन्होंने, ग्रोस डेवलपमेंट प्रोग्रेस वहाँ पर बढ़ी उन्होंने, काफ़ी सारे विकास किए आर्थिक मुद्दों पर, है ना, कुछ आरोप भी उन पर लगे, फिर भी देश की स्थिति क्या हो रही है और उनका कितना सम्मान किया जा रहा है, उनके कपड़े बाहर फेंके जा रहे हैं और बहुत ही खराब हरकतें कर रहे हो, जो मैं बता नहीं सकता आपको, आप देख रहे हो वीडियोज़ में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नैतिक मूल्यों का विकास आप होना चाहिए। और आप सभी भी ऐसा करें कि अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा नैतिक मूल्य शिक्षा दे, कि नैतिक मूल्यों का पतन ना हो, क्योंकि नैतिक मूल्य ही आपको एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा मनुष्य बनाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।